नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द बेबी सीटर किलर क्वीन मूवी के बारे में। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसकी पहले वाली मूवी देखी थी मैंने, द बेबी सीटर, जो 2017 के अंदर आई थी। अगर आप लोगों ने उसका रिव्यू नहीं देखा है तो आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं द बेबी सीटर किलर क्वीन मूवी के बारे में। देखो, मैंने जब इसका मूवी का पोस्टर देखा था नेटफ्लिक्स के ऊपर, जब मैं सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने देखा यार ये कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस मूवी की मांग की, क्योंकि इसकी पहले वाली जो मूवी थी मुझे यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसके अंदर ना हॉरर था ना कॉमेडी थी, पता ही नहीं वो क्या सोच के उन्होंने वो मूवी बनाई थी। तो फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बिना कोई उम्मीद के मूवी देखनी शुरू की। देखो, ये मूवी अच्छी है या बुरी इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। जहां इसकी पहली मूवी खत्म होती है, जहां पर कोल जो है वो बी को मार देता है, उसको पता ही नहीं होता वो मर गई या कहां चली गई, एंड हमें दिखाया ऐसा जाता है कि वो गाड़ी के नीचे आ गई, वो मर गई है। बट जब कॉल उसे देखने मतलब पहुंचता है ढूंढने, तो ऐसा उसे कोई मिलता ही नहीं, वहां भी नहीं है। तो वहीं से ये मूवी स्टार्ट होती है, उसके 2 साल बीत चुके हैं। कॉल जो उस रात की बात है, जो उसकी जो बेबी सीटर है जो अपने दोस्तों के साथ शैतान को बुला रही थी उसके ही घर में, तो वो बात लोगों को बताता फिर रहा है, अपने पेरेंट्स को बता रहा है, अपने दोस्तों को बता रहा है, और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करें। इवन उसके माँ बाप उसको साइकेट्रिक अकेडमी में भेजने के लिए तैयार हो गए, और जिस दिन उसे साइकेट्रिक अकेडमी में, यानी एक तरीके से कह लो कि उसके दिमागी हालत संतुलन खराब है ये समझ के उसे पागलखाने में भेजने की तैयारी कर रहे थे, तो उसी दिन कॉल अपनी एक दोस्त जो इसकी पहले वाली मूवी में भी दिखाया गया मेलनी, उसके साथ एक बीच पार्टी में भाग जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। और उस पार्टी में फिर से वही सब रिपीट होता है जो पहले वाली मूवी में उसके साथ जो हो चुका है। फिर से जो वो लोग जो उसने फर्स्ट मूवी में जो थे वो फिर से जिंदा होते हैं, और कुछ और लोग भी होते हैं इसके साथ, कॉल के साथ, जो कॉल को मारना चाहते हैं, कॉल का खून पीना चाहते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि वो इसका खून क्यों पीना चाहते हैं, क्योंकि शैतान से अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए किसी पवित्र, किसी मासूम लड़के की बलि देनी पड़ेगी। अब पवित्र का मतलब है जिसने कुछ भी ना किया हो, मतलब कुछ भी ना किया हो। और इस बार कॉल अकेला नहीं फंसता, उसके साथ साथ एक और लड़की जो है फैबी नाम की, जो उसी की क्लासमेट है, वो भी फंस जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। अब फैबी की भी इसमें एक कहानी दिखाई गई है, वो आप जब इस मूवी को देखोगे तब आप लोगों को उस कहानी के बारे में पता चल जाएगा। अब अगर इस मूवी को मैं पिछले वाली मूवी से कंपेयर करूँ, इसके फर्स्ट पार्ट से मैं कंपेयर करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यार इसके अंदर कुछ एक ट्विस्ट ऐसे हैं जो इसका एंटरटेनमेंट लेवल और बढ़ा देते हैं। और कॉमेडी की बात करूँ एज कम्पेयर टू इसकी प्रीवियस मूवी से, हाँ इसमें कॉमेडी है, लेकिन अगर इसमें हॉरर तो यार दोनों में कहीं आसपास भी नहीं है। और अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्या इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्किप कर दें, सेकंड पार्ट सीधा ही देख लें, क्या वो समझ आ जाएगा? देखो यार, समझने वाले तो समझ भी लेंगे, बट मेरी राय में देखो, अगर तुम इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो तुम्हें एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा, वहां से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक्चुअल में चल क्या रहा था, बी कहां थी, कौन थी, वो आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेगा, कॉल क्या था, मतलब कैसे था, कैसे अपने आप को उसने बचाया था, क्या वो कर रहे थे, तो ये सारी जानकारी जो है वो आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगी। और जब आप उसको देख लोगे तो डेफिनेटली ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 सर। और पहले वाली मूवी की तरह इस मूवी के अंदर भी आप ग्लैमर देख सकते हो, और इस बार कुछ अच्छा ग्लैमर है, मतलब अच्छा है। बट दुख इस बात का है कि यार वो ग्लैमर जो है वो शैतान की तरफ है, मतलब ग्लैमर शैतान ऐसा कुछ जो भी है। खैर छोड़ो यार, जो भी था, अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो हाँ, आप मैं कह सकता हूँ कि वन टाइम वॉच तो है ये मूवी। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।